हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, इट्स मी कोनिका जान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैं आज ना घर में कोई भी नहीं, मम्मी पापा मैं और दीदी है, तो दुकान खोलने मुझे जाना पड़ेगा। इस तो मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं दिखाना चाहती हूँ देश की जनता को मेरी दीदी मेरे साथ कितना अत्याचार कर रही है। अभी मैं दुकान जाने के लिए जैकेट पहनूंगी, बाल भी बांधूंगी, फिर दुकान खोलने जाएंगे। 8 बज चुके हैं, हमने अभी तक दुकान नहीं खोली। तो हो गई हूँ मैं रेडी। घर में लंबे होने का यही फायदा है, आपको पापा के कपड़े भी याद आते हैं। अरे चलो दिखाती हूँ दीदी को दीदी कैसे मजे से सो दी है, मुझे कैसे ठंड में जाना पड़ रहा है। बस तो मैं जा रही हूँ, ये मेरी दीदी सो रही है मजे से, और टाइम देखने जा रहा 9 बजने वाला है और अभी तक सो रही है। ये दुकान मैंने अब खोल दी है, सामान बाहर लगाती हूँ, उसके बाद ही मिलूंगे। तो ना जो मैंने आगे की क्लिप दिखाई ना, जिसमें मैं पूजा कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, खास कर इस औरत के लिए दिखाई बनाई गई है वो। तो इन्हें मेरे में बहुत शक होता है कि मैं पूजा नहीं करती और ना मैं झाड़ू मारती हूँ। अरे आप गजब बेइज्जती है। एवरीवन, मैं अभी घर आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो अभी बजने वाले हैं 1, मतलब 10-15 मिनट बचे हैं मिलने के लिए। दिखाती हूँ, सब लोग दिखाते हैं ना। सॉरी, ये देखो 12:50 हो रहे हैं, मतलब 1 बजने के लिए 10 मिनट और है। रोटी सब्जी और दूध का गिला देख रहे, इतना तेज आ रहा है। दीदी मुझे 1 बजे नाश्ता करवा रही है। हाँ तो अभी मैं नाश्ता करके आ चुकी हूँ, देख रहे हो क्रूर प्राणी 1 बजे नाश्ता खिला रहा है। दोस्तों हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, हमारे पैसे दोस्तों प्राइस बताती हूँ, तो भाग जाते हैं। 31 रुपये का दूध बेचते हैं, 35 रुपये कौन ही रुक, कहाँ से आते हैं। ओके दोस्तों, हमारे ग्राहक आ रहे हैं भाई। Now is the time to do something. इतना भी सारा साफ करना। और ये वाली चाय पत्ती देखो जरा, ये भी साफ करनी है, इधर भी है, ये भी साफ करनी है। ये है, ये पूरा चिप्स और कुरकुरों से भरा हुआ है, और ये इसका प्लास्टिक है। कम से कम 250 से 300 पैकेट है ये, इतने से, और मैंने सारे फाड़ के इसमें डाले। ये 5.5 किलो ही है अभी, मुझे लगा बहुत हो गया होगा क्योंकि मैं तब से ही काम कर रही थी। दादी ने ये सब नहीं क्यों किया, क्योंकि वो सब ना जो उन्हें खा लिए थे, मतलब किसी की हवा निकली थी, किसी का कोई आधे खाई थी, कोई गया था, कोई गया था, मतलब ख़राब हो चुके थे। तो मैंने फाड़ के एक कट्टे में डाल दिए चिप्स वगैरह, जो खाने की चीज़ है, और एक उसमें प्लास्टिक डाल दिए। जो चिप्स वगैरह ये बाई वगैरह खा ली थी, बाई बैल, तो मैं घर भेज दूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैं इन प्लास्टिकों को कैसे डिकम्पोज करूँ, या कहाँ डालूँ, या फिर कैसे यूज़ करूँ। जैसे मैं बोला प्लास्टिक बढ़ रहा, प्लास्टिक ये भरते रहो और डिज़ाइन वगैरह कर दो, बिकॉज मेरे बस की बात नहीं है। तो यह बहुत ध्यान पे लिया, पता नहीं क्यों मैंने बनाया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है पोस्ट करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मैं कर लूँगी। दोस्तों हम अपने घर पहुँच चुके हैं, 9 बज गए हैं। टीवी देख रहे हो आप हमारे, कौन से ज़माने की टीवी है। हे भगवान, अब तो फ़ोन की स्क्रीन भी इससे बड़ी है। कोई बात नहीं,
हम यही चलाएंगे, इसे ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन नई टीवी नहीं खरीदेंगे। और आज हम खाने में बनाया हमने मैगी, जैसे कि आप दीदी को देख ही सकते हो। दिखाती हूँ मैं यार, ये देखो, ये मेरी मैगी, ये दीदी की मैगी, देख रहे हो साइज़। और ये हमारा लेज है थोड़ा सा, बस अब खाते हैं तब सो जाते हैं। बस दोस्तों, इतना ही था हमारे पास दिखाने के लिए।